जेपी नड्डा और साथ ही और भी कुछ ऐसे चेहरे जो कि पीएम आवास पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, नरेंद्र मोदी पर पीएम आवास सभी को बुलाए चाय पर चर्चा करने के लिए, और इस चर्चा में जो संभावित मंत्री बनने जा रहे हैं मोदी कैबिनेट में, और उन सभी लोगों को बुलाया गया है जिसमें जो एनडीए के सांसद हैं, संभावित मंत्री हैं, उनको बुलाया गया। और अब जो शिवराज सिंह चौहान है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सभी को देखा गया है जब ये पीएम आवास पहुंच रहे थे। और दिल्ली में आज सियासी हलचल काफी जोरों शोरों से देखी जा रही है। खास तौर पर आप देखेंगे कि जब जेपी नड्डा अपने आवास से निकले, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई गई हैं। और अब जैसा कि शिवराज सिंह चौहान के पास कॉल गया था, बुलाया गया शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, और इस तरीके से बारी बारी से सभी को कॉल गए हैं। एक व्यवस्थित तरीके से पूरा कामकाज हो रहा है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, अब बहुत सारे चेहरे पीएम आवास पहुंच चुके हैं, कहा जा रहा है कि ये संभावित मंत्री हो सकते हैं जिन्हें पीएम आवास चाय पर चर्चा के लिए नरेंद्र मोदी ने बुलाया है। विनीत, आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन व्यक्तियों को बुलाया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज शाम को 7:15 बजे जो है वो मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे, वो मंत्री के तौर पर अपनी शपथ लेंगे। साफ तौर पर इस वक्त जो है वो मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री आवास पर जो है बैठक शुरू हो गई है, चाय पर जो चर्चा है वो हो रही है। साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान को जो है वो बुलाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, महिला सांसद सावित्री देवी को भी यहाँ पर बुलाया गया है, वो भी जो है वो भी मंत्रिमंडल के मंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लेंगे। अगर हम बात करें बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी के पास जो है वो सभी बड़े मंत्रालय जो है वो रहेंगे। कैबिनेट के जो बड़े मंत्रालय हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहयोगी दल के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर जो है वो भी तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं। चिराग पासवान जो है वो पहुंच गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जेडीयू से भी जो है वो भी दो मंत्री का पद जो है वो जेडीयू को दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी हैं हम के, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। टीडीपी के भी जो है वो एक कैबिनेट का बर्थ जो है वो टीडीपी को दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक एमओएस का बर्थ जो है वो टीडीपी को दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अजित पवार में गुट को भी जो है एनसीपी का है, वो भी एक बर्थ जो है कैबिनेट में वो दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी के नेताओं की बात करें, तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। मनसुख मांडविया जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार उन्हें जो है वो मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। उनका कार्यकाल भी जो है वो खत्म हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो बड़े नाम हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि अमित शाह भी जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो तमाम जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल करवाया जाएगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चाय पर सभी के साथ चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा कि 2014 में भी मंत्रिमंडल की शपथ लेने के पहले जो है वो सभी अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, चाय पर चर्चा की थी। 2019 में भी यही किया, और अब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने जिन मंत्रियों के साथ वो शपथ लेंगे उनके साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विजन 3.0 का जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनको देंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, इसको लेकर के यहाँ पर जो है वो चर्चा होगी कि आखिरकार किस विजन के साथ जो है वो काम किया जाए। सरकार के 100 डे का जो एजेंडा होता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मोदी 2.0 के आखिरी दिनों की अगर हम बात करें, उस वक्त जो है वो सभी मंत्रालयों से मोदी सरकार के जो तीसरे कार्यकाल का विजन, 100 दिन का जो विजन है वो मांग लिया गया था, तो निश्चित तौर पर उस विजन को किस तरह से पूरा किया जाए इसको लेकर के यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है। औपचारिक तौर पर ये चर्चा हो रही है, लगभग 1 घंटे की हम मांग के चल सकते हैं कि चर्चा होगी। 1 से 1.5 बजे तक ये हम मानते हैं कि बैठक जो है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद सभी जो है सभी शाम को 7:15 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्री पद का शपथ लेंगे। बिल्कुल। और साथ ही विनीत, क्या छत्तीसगढ़ से भी कुछ चेहरे नजर आए हैं क्या? जैसे कि ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आ रहा था, विजय बघेल का नाम सामने आ रहा था, और ऐसा माना जा रहा था कि इन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी क्योंकि 11 में से 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत कर आई है। तो क्या छत्तीसगढ़ के कोई चेहरे नजर आए हैं क्या वहां पर आसपास? जी निश्चित तौर पर, हालांकि
पुख्ता जानकारी तो नहीं है कि आखिरकार भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कौन आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ से भी एक कैबिनेट बर्थ जो है वो दिया जाएगा। हमने देखा था कि 2014 में विष्णुदेव साई को जो है वो मंत्री बनाया गया था, फिर रेणुका सिंह को जो है वो मंत्री बनाया गया था मोदी 2 में, और इस बार भी हम उम्मीद में करते हैं कि छत्तीसगढ़ से एक मंत्री का जो पद है वो दिया जाएगा। वो नाम कौन होगा इसकी जानकारी हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों को देंगे। जब सभी लोग जो है वो बैठक से निकलेंगे तो हम यह बताने की स्थिति में होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ से कौन शामिल होगा, लेकिन निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ से एक बर्थ जो है वो कैबिनेट में निश्चित तौर पर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें 2014 में, अगर हम बात करें तो उस वक्त जो है बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और 11 में से 10 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी 2019 में। हालांकि 2 सीटें जो है वो कांग्रेस से जीत गई थी, लेकिन फिर इस बार बीजेपी को जो है वो 10 सीटें जो है वो छत्तीसगढ़ से मिली है, बड़ी जीत जो है वो छत्तीसगढ़ से मिली है। और ऐसे में माना जा रहा है कि कम से कम एक सीट जो है वो बीजेपी का जो मंत्री पद है वो छत्तीसगढ़ को भी जाए। बिल्कुल, जैसे कि हम जानकारी मिल रही है कि निर्मला सीतारमण भी पीएम आवास पहुंच चुकी है, कौन कौन से चेहरे रिपीट होने के आसार बने हुए हैं विनीत यहां पर? जी, अगर हम बात करें रिपीट होने की बात करें तो निर्मला सीतारमण को जो है वो मंत्रालय दिया जाएगा, बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। लगातार वो पहले रक्षा मंत्री थी मोदी 2.0 में, कुछ में काल के लिए जो अंतिम काल था उसमें रक्षा मंत्री बनी थी, और उसके बाद मोदी 1 में वो लाके आखिरी समय में वो रक्षा मंत्री बनी थी, और उसके बाद मोदी 2.0 में जो है वो वित्त मंत्री बनी है। इस बार भी उन्हें CCS से जुड़ा हुआ मंत्रालय जो है वो निर्मला सीतारमण को जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें रिपीट होने वाले में नामों में अगर लें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो रिपीट में होंगे। इसके साथ ही साथ जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मनसुख मांडविया का भी नाम आ रहा है, वो रिपीट में होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम मनसुख मांडविया के साथ साथ अगर हम बात करें बड़े मंत्रियों की बात करें तो उसमें जो है हरदीप पुरी का भी नाम आता है, बड़ा मंत्रालय उनके पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो है, साथ ही साथ पेट्रोलियम का भी जो है एडिशनल चार्ज उन्हें दिया गया है। तो हरदीप पुरी भी बड़े चेहरे हैं मोदी सरकार के, वो इस बार रिपीट हो सकते हैं। तो तमाम बड़े लोग जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन नए मंत्रियों में अगर हम बात करें तो सहयोगियों को खासा तवज्जो जो है वो दिया जा रहा है। जेडीयू से 2 लोग जो है उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें LJP रामविलास से तो चिराग पासवान को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल, यानी कि तमाम वो नाम है जो मंत्रिमंडल में जगह मिलने के इनके आसार बने हुए हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से जैसा G20 जैसे सुरक्षा धरती से लेकर आसमान तक पूरी चाक चौबंद सुरक्षा की गई है, तो किस तरीके का अलर्ट है? क्योंकि आसमान में कोई भी छोटी बड़ी चीज उड़ाने पर भी बैन लगा दिया गया है, और जो कुछ रोड है हाईवेज है वहां पर भी सुरक्षा तैनात कर दी गई है, तो कैसी व्यवस्थाएं देखी जा रही है सुरक्षा के लिहाज से विनीत? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी 3.0 का जब शपथ होगा उसको लेकर के तमाम जो सुरक्षा जो है वो की गई है, क्योंकि बड़े बड़े फॉरेन डिग्निटरीज जो है वो भी आएंगे, साथ ही साथ जो राष्ट्र के डिग्निटरीज हैं वो भी यहां पर आएंगे, साथ ही साथ जो सभी हाई प्रोफाइल मंत्री जो है जो शपथ लेंगे वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये जो पूरा क्षेत्र है वहां पर 144 जो है वो लगा दिया गया है, साथ ही साथ इस वक्त जो है वो सघन सिक्योरिटी जो है वो विभिन्न जगहों पर लुटियंस दिल्ली में हम खास तौर पर दिखा सकते हैं कि वे लुटियंस दिल्ली में खास तौर पर वह सघन सिक्योरिटी जो है वो की गई है, लगातार जगह जगह पर बैरिकेटिंग किया गया है। नई दिल्ली का जो क्षेत्र होता है वहां पर जो है वहां पर ड्रोन को उड़ाने की जो इजाजत है वो नहीं दी गई है, ड्रोन पे उड़ाने पर पाबंदी जो है वो लगाई गई है। तो तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, चाहे वो आम आदमी हो उनके लिए किया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें मोदी 3.0 में तो कई आम आदमी भी शामिल होंगे, जिसमें हम देख सकते हैं जो सेंट्रल वियास्टा के मजदूर हैं वो भी शामिल होंगे, साथ ही साथ वंदे भारत हो, नमो भारत हो, या फिर केंद्रीय योजनाओं के जो लाभार्थी हैं वो इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ जो बड़े डिग्निटरीज हैं, बड़े विदेशी मेहमान हैं वो शामिल होंगे, साथ ही साथ जो पद्मा अवार्डीज हैं वो शामिल होंगे, बड़े नामी हस्तियां शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद तैयारी जो है वो की गई है, जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है, 144 जो है वो लगा दिया गया है, लोगों को एक जगह भीड़ पर झुंड के तौर पर खड़े होने पर रोक लगा दी गई है, साथ ही साथ
ड्रोन के उड़ाने में इस क्षेत्र पर पूरी तरह से पाबंदी लगी गई हुई है। साथ ही साथ अगर हम बताएं, ये जो क्षेत्र होता है पहले ही से नो फ्लाइंग जोन है और इस वक्त भी यहाँ पर फ्लाइंग करने की जो इजाज़त है वो नहीं दी गई है। तो साफ तौर पर पूरे जो क्षेत्र को है किले में तब्दील किया गया और सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से खास तौर पर मजबूत की गई है। जी बिल्कुल विनीत, और साथ ही उत्तर प्रदेश का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार 33 सीटें मिली हैं यूपी में बीजेपी को, और हम देख पा रहे थे कि जब दूसरा कार्यकाल था प्रधानमंत्री का, उस दौरान 12 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल थे और इनमें से 7 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। तो किस तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं विनीत इस बार? तो देखिए, हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का तो जो ओहदा है वो बढ़ा हुआ नजर आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ से आप ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ ही गई हैं, और हो सकता है कि कुछ और भी चेहरे नजर आने वाले हों। और उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो यहाँ पर सिर्फ 33 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इनका जो मोदी कैबिनेट में जगह है वो कम हो जाएगी। 29 सीटें बीजेपी ने गंवा दी हैं उत्तर प्रदेश में, और अब देखना यह है कि मोदी कैबिनेट में जो 12 मंत्री थे अब उनमें से 7 मंत्री हार गए हैं, तो किन किन चेहरों को रिपीट किया जाता है या फिर क्या कोई नए चेहरों को तरजीह दी जाती है, किस तरीके का समीकरण यूपी से निकलकर सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बार जिस तरीके से आप देखेंगे कि पहले घटक दलों को भी संतुष्ट करना है, उसके बाद कुछ प्रमुख विभाग हैं जो बीजेपी सांसदों के पक्ष में रखना है, और इस तरीके से सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश इस वक्त एनडीए के माध्यम से की गई है, बीजेपी के माध्यम से की गई है। कुछ प्रमुख सेक्टर्स बीजेपी ने अपने पास रखने के फैसले लिए हैं।